हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटम्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऐप क्या है और उन्हें सेट कैसे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में देखोगे तो यहां पर आपको क्रोम और यहां पर जो आपका डायल लॉग है जिससे आप कॉल करते हो, यहाँ पर आपका जो मैसेज वाला ऐप है, वो सारे फ़ोन ऐप आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है। अगर आप उसे अनइंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे मुझे इस ऐप में मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्या होता है और इसे सेट कैसे करते हैं, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप अपने सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में यहाँ पर आपको ऐप्स वाला एक ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपके जो ऐप है रिसेंटली जो आपने डाउनलोड करे हैं, इंस्टॉल किए हैं अपने फ़ोन में, वो सारे आपको यहाँ पर ऐप्स मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स करके ऑप्शन मिलेगा। अब ये जो आपको यहाँ पर सारे ऐप्स दिख रहे हैं वो आपके फ़ोन में परमानेंटली इंस्टॉल्ड है, आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अब इसे सेट कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये ब्राउज़र ऐप है। अब यहाँ पर आपको अगर ये जो ब्रेव है ये मैंने इंस्टॉल किया है, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ही रखना चाहता हूँ या मुझे ब्रेव रखना है या ब्राउज़र रखना है। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ से सेट कर सकते हो। कई बार होता है कि हम अगर हमारे फ़ोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो फ़ोन लॉग है वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हमें नहीं दिखाई देते, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको फ़ोन ऐप पर क्लिक करना है। अगर आपका ये ट्रू कॉलर पर सेट है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से, अगर आप अपने कॉल लॉग में जाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, सेट फ़ोन हैज़ डिफ़ॉल्ट। तो अब इसे कैसे डिफ़ॉल्ट सेट करें, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है और आपको इसे सिस्टम डिफ़ॉल्ट फ़ोन पर सेट कर देना है, जिससे आपके कॉन्टैक्ट्स फिर से आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके फ़ोन में कौन से डिफ़ॉल्ट ऐप है और आप यहाँ से इसे आसानी से सेट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट टू पर। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।